नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है होल्ड GST रिपोर्ट्स या फिर होल्ड GST पेमेंट। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, विशेषकर उन बिजनेसमैन के लिए जो हमेशा किसी न किसी नए डीलर्स के साथ यानी कि नए सप्लायर के साथ आपस में वो परचेज या सेल करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल इस फीचर्स के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से जानने वाले हैं कि आखिरकार होल्ड GST पेमेंट होती क्या है और इस फीचर्स को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। सारी बातें आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए और उन बिजनेसमैन लोगों के लिए भी जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी GST होल्ड पेमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी से यानी कि किसी सप्लायर से हम गुड्स परचेज करते हैं और वो जो कंपनी है या जो सप्लायर्स है उसने हमें GST के साथ इनवॉइस है जो भेजा है, तो दोस्तों हम सिंपल इसी तरीके से परचेज वाउचर की एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं, वाउचर का नंबर वगैरह पोस्ट कर देते हैं, स्टॉक आइटम को हम प्रेस कर देते हैं, उसके बाद हम टैक्सेबल वैल्यू और CGST और SGST टैक्स लगा के एंट्री पास कर देते हैं। तो आप देख रहे हो इस परचेज इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है वो बनी है 14,750 रुपये की, यानी कि हमें सप्लायर्स को 14,750 रुपये की पेमेंट करनी है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है भी हमने सप्लायर से गुड्स परचेज तो कर लिया लेकिन सप्लायर्स ने GST R1 फाइल ही नहीं करी, तो हम जो ITC हमें लेना यानी कि जो परचेज पे हमने टैक्स जो दिया है उसका ITC हमें मिलेगा और वो ITC हम हमारे GST 2A या GST 2B के अंदर हम उसको देखते हैं, व्यू करते हैं, तब हमें पता चलता है भी अभी तक हमारा ITC है जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हमें दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कई बार पार्टी है यानी कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो किसी कारणवश GST R1 को फाइल नहीं करते या हमें बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो बिजनेस है वही ड्रॉप कर दिया, तो हमें नुकसान हो जाता है। नुकसान किस चीज़ का हो सकता है? अब मान लीजिए जैसा कि हमने ये इस सप्लायर से VS ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स परचेज किया तो हमने टैक्स भी पे किया है क्योंकि ये जो अमाउंट बनी है ये विद टैक्स बनी है, तो हम सप्लायर्स को जो पेमेंट करेंगे वो 14,750 रुपये की कर देंगे यानी कि विद टैक्स की पेमेंट कर दी, लेकिन सप्लायर्स ने GST R1 फाइल नहीं करी तो हमें इस 2,250 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और इस 2,250 रुपये का हम एक ऑलरेडी हम सप्लायर्स को पेमेंट कर दी, उसके बाद में गवर्नमेंट हमारे को नोटिस देगी तो हमें इस टैक्स को गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, यानी कि हमारा 2,250 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में GST होल्ड पेमेंट का जो ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो हम उसको यूज किस तरीके से करते हैं वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अब सिंपल हम क्या करते हैं, जैसे हम परचेज वाउचर की एंट्री पास करते हैं, एक एंट्री को हम पास करके देखते हैं, वाउचर पे हम जाते हैं F9 है, यहाँ पर हम कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 एक बार इनवॉइस का नंबर दे देते हैं, इनवॉइस की डेट हम 20 जनवरी 2022 कर देते हैं, सप्लायर के इनवॉइस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम कर देंगे। और उसके बाद मान लीजिए एक सप्लायर को हम नया ऐड करते हैं, LTC से मैं नया लेजर क्रिएट कर रहा हूँ एक सप्लायर का, मान लीजिए ABC ट्रेडिंग कंपनी आ गया, तो ये हमारे सप्लायर से, तो हम इसको रखते हैं सेंट्री क्रेडिटर्स में। और उसके बाद में बिल बाई बिल डिटेल को आपको यस रखना है, इसके बाद में सारी डिटेल्स फिलअप करते हुए हम इस वाउचर को सेव कर देंगे सब कुछ GST नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे। और उसके बाद में हम यहाँ से स्टॉक कोई आइटम को हम प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए 10 पीस हमने परचेज किए, 100 रुपीज का पर पीस है, और वाउचर को हम सेव करते हुए CGST टैक्स और SGST टैक्स ये लगा लेते हैं। तो अब जैसे हम इस एंट्री को पास करेंगे तो अब ये ऑप्शन हमारे पास आएगा बिल वाइज डिटेल। तो दोस्तों, अब आपको क्या होगा, इस बिल वाइज डिटेल के अंदर CGST टैक्स SGST टैक्स की ये जो वैल्यू है टैक्स की, ये जो वैल्यू कौन सी आई है, ये वैल्यू जो हमें इस इनवॉइस में लग के आई है, यानी कि 18% का प्रोडक्ट है तो 180 रुपये का टैक्स लग गया, 90 रुपये। तो अब पहले तो क्या होता है, ऑन रिकॉर्ड के अंदर ये जो टोटल अमाउंट है हमारी वो 1,180 रुपये की जाती है, लेकिन इस फीचर से अब हो क्या रहा है, जो
प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू है उसका एक अलग रेफरेंस बन रहा है, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स के अमाउंट का एक अलग रेफरेंस बन रहा है। जैसे हम इंटरप्रेस करते हैं यहाँ पे आके, तो आप देख रहे हो ये तीन ऑप्शन आ गए। अगर इस ऑप्शन को हम जीएसटी पेमेंट मोड वाले ऑप्शन को हम मतलब डिसएक्टिव कर देते हैं, इसको अपने एक्टिव नहीं रखते हैं, तो आप देखोगे ये जो टोटल अमाउंट है हमारी 1180 रुपये वो न्यू रेफरेंस में आ जाती है सिंगल अमाउंट के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स और इसकी इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू है आपको तीनों अलग अलग रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, क्योंकि एक तो हमें यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है सीजीएसटी टैक्स एसजीएसटी टैक्स अलग अलग करने की जरूरत में, और दूसरा जो यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो क्रिएट हो रहा है वो सीजीएसटी टैक्स और उसके बाद में इसका जो इनवॉइस नंबर हमने लगाया था 1 2 3 4 5 वो भी इसके साथ में अटैच हो गया रहा है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का दोनों का अलग अलग सेपरेट रूप से, और उसके बाद में न्यू रेफरेंस के अंदर 1 2 3 4 5 जो इनवॉइस का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो और इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1000। तो अब इस वाउचर को हम सेव करते हैं और एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एक्सेप्ट करने से होगा क्या, अब जैसे हम पार्टी को पेमेंट करेंगे, अब मान लीजिए इस पार्टी को हमें पेमेंट भी करनी होगी तो वाउचर पे हम जाएंगे, तो अब इस पार्टी को हम पेमेंट तब करेंगे, मान लीजिए ये हमारे साथ नया पार्टी है, ये नए सप्लायर्स हमारे, यानी कि हमने उनसे फर्स्ट बार पहली बार कोई प्रोडक्ट है जो परचेज किया है, लेकिन हमें इस कंपनी पे विश्वास नहीं है भी ये प्रॉपर हमारा जीएसटी टैक्स है जो हमारे से 180 रुपये का जो टैक्स चार्ज किया है वो गवर्नमेंट को टाइम पे डिपॉजिट करवा देंगे, यानी कि अपनी जीएसटी R1 है जो रिटर्न और या जीएसटी R3 भी है वो टाइमली से फिलअप कर देंगे, क्योंकि जब हमारा जो सप्लायर है वो जीएसटी R1 फाइल करेगा तभी हमें 2B के अंदर हमारा जो ITC है वो हमें शो करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं भी इस पार्टी को जो हमें पेमेंट जो करनी है वो पेमेंट अभी तक हम गुड्स की ही करेंगे, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू की ही करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स जो पेमेंट है वो अभी हम नहीं करेंगे। वो कब करेंगे, जब 2B के अंदर हमारा ITC हमें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम सप्लायर्स को पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आजकल कंपनी इसी तरीके से कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी होती है वो इन्वॉइस तो कर देती है, गवर्नमेंट को प्रॉपर रिटर्न भी फाइल नहीं करती, टैक्स भी डिपॉजिट नहीं करवाती, तो उसकी वजह से जो उनका बायर्स होता है उसको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कंपनियां ज़्यादातर ये करती है टैक्सेबल वैल्यू को एक बार पेमेंट कर देती है, जीएसटी के अमाउंट को होल्ड कर देती है, होल्ड पेमेंट हम आपको बाद में देंगे जब आप आपकी जीएसटी R1 को फाइल कर दोगे। तो जैसे हम इसकी वाउचर की एंट्री पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को, F5 पे हम जाएंगे, मान लीजिए उसके बाद में जैसा कि हमने 21 तारीख को पेमेंट कर दी, क्योंकि ये तो लगभग 13 तारीख के नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख के बाद हमें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, तो ABC ट्रेडिंग कंपनी। तो अब यहाँ पर आपको जो पेमेंट दिखाएगा वो 1180 रुपये की शो करेगा, लेकिन अभी आपको पेमेंट करनी है एक बारी 1000 की, 1000 करेंगे, और जैसे हम न्यू रेफरेंस करेंगे तो इसकी जो इनवॉइस की डिटेल थी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब 1000 आप कौन से कर रहे हो, ये जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू बन रही है इसी अमाउंट की हम एक बार पेमेंट कर रही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट अभी एक बार हम नहीं करेंगे। वो इंटरप्रेस करते हुए उसके बाद चाहे हम कैश दे रहे हैं या फिर हम बाई चेक दे रहे हैं उसकी एंट्री पास कर देंगे। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा भी किस किस पार्टी की जीएसटी के अमाउंट को हमने होल्ड कर रखा है, तो अब इस कंडीशन में ये फीचर्स हमारा यूज होगा। गेट वेब टेली पर हम जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे, देन हम जीएसटी ये जो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे दोनों ऑप्शन को हम देखेंगे, पहला देखेंगे होल्ड जीएसटी रिपोर्ट को, इस पर इंटरप्रेस करेंगे, तो जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भी हमने ABC ट्रेडिंग कंपनी की सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स की पेमेंट जो होल्ड करके रखी हुई है 90 रुपए की, ये हमें पेंडिंग अमाउंट है जो शो करता रहेगा। उसके बाद में जैसे ही हम होल्ड पेमेंट की पेमेंट करेंगे, मान लीजिए रिफ्लेक्ट स्टार्ट हो गया, पार्टी ने जीएसटी R1 है जो फाइल कर दी, तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करते वक्त हमें इस ऑप्शन को हम यूज करेंगे होल्ड जीएसटी पेमेंट को, इंटरप्रेस करेंगे, और उसके बाद में जिस पार्टी के हम पेमेंट कर रहे हैं ABC ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा भी आपको दिखा देगा भी आपकी ये जो 90 रुपये अभी भी पेंडिंग पड़े हैं सीजीएसटी के, तो उसके बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा सेटल बिल्स का, तो हम इसको यहाँ पर सेटल बिल्स पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में जिस तारीख को वाउचर डेट, जिस तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं उस तारीख की हम वाउचर डेट यहाँ पर लगा देंगे, और मान लीजिए ये भी हमने कैश के रूप में ही पेमेंट कर दी, और उसके बाद में नरेशन हम लिख देंगे भी जीएसटी होल्ड पेमेंट हमने लिख दिया भी शो इन 2A
भी हमारा 2A के अंदर शो होना स्टार्ट हो गया, इसलिए हमने कैश पेमेंट है जो कर दी। ये नरेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं बिल का सेटलमेंटल कर रहे हैं, सेटलमेंट हम कर रहे हैं, एंटरप्राइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा पेमेंट वाउचर में आ जाएगा। तो एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को हम 180 रुपये से करेंगे डेबिट, और उसके बाद में हमारी जो पेमेंट आएगी अगेंस्ट रेफरेंस, तो अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर आ जाएगा CGST, तो रहेगा हमारा 90 रुपये, और SGST हो जाएगा 90 रुपये। CGST और SGST 90 रुपये के साथ हमारा क्लियर हो जाएगा, और एंड ऑफ पर एंटरप्राइज करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो अब हमारे को यहाँ पे होल्ड GST रिपोर्ट में भी कुछ नहीं दिखाएगा, और साथ के साथ होल्ड GST पेमेंट के अंदर भी जिस जिस पार्टी का होल्ड होएगा वही आपको शो करेगा, अदरवाइज यहाँ से भी सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब हम जैसे इस पार्टी का हम लेजर शो करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और लेजर पे जाएंगे, ABC ट्रेडिंग कंपनी को देखेंगे, तो आप देख रहे हो इसकी जो पेमेंट हमने दो बार करी है, 1000 तो हमने स्टार्टिंग में कर दी थी और 180 रुपये की हमने यहाँ पर कर दी, और उसके बाद में हम Alt+F1 के साथ अगर डिटेल के साथ अगर इसको ओपन करेंगे, तो जैसे हम ओपन करेंगे तो ये हमारे को डिटेल भी दिखाएगा भी ये जो तो वैल्यू है इनवॉइस की वैल्यू 1000, CGST 90, SGST 90, और उसके बाद में ये जो हमने पेमेंट करी है ये पेमेंट भी हमारी CGST और SGST के अगेंस्ट हमने कर दी है, और इस तरीके से ये जो पेमेंट हमारी, ये हमारी पेमेंट केवल और केवल टैक्सेबल अमाउंट के अगेंस्ट में ही हमने करी थी। तो इस तरीके से हमें पता लग सकता है भी कौन सी पार्टी की GST की पेमेंट हमने होल्ड करके रखी हुई है, किसका भुगतान अभी तक करने वाला बकाया पड़ा है, तो सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ से GST होल्ड रिपोर्ट से और होल्ड GST पेमेंट के अंदर पता चल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस फीचर्स को हम एक्टिवेट किस तरीके से करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों इसके लिए आपको यूज़ करना होगा TDL को, तो TDL का जो नाम है वो आपको मैं बता देता हूँ, TDLs एंड एडोन्स पर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस नाम से आप सर्च भी कर सकते हो, होल्ड GST अमाउंट रिलीज प्राइम 1.0.1 के साथ, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फाइल का जो लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर फीचर्स आपको बढ़िया लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।